गिरिराज महाराज की जय। दोस्तों आज मैं गोवर्धन धाम आया था, तो मुझे यहाँ पर देखिए, मैं आज आपको दिखाता हूँ आस्था क्या होती है आस्था। और यहाँ पर भैया, एक भैया मुझे दंडौती के रूप में परिक्रमा लगाते हुए मिले, और आप ये देखिए, भैया से बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। भैया क्या आप बात कर सकते हैं हमसे थोड़ा? क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। विनोद कुमार, कहाँ के रहने वाले हो आप? ऊर्जा जिला बुलंदशहर यूपी। तो भैया आप ये दंडौती परिक्रमा लगा रहे हैं? हाँ जी, ये दंडौती परिक्रमा लगाने वाले ठाकुर जी। जी जी, हमारा नाम है। तो पास चला जाता हूँ, थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो आप ये मतलब ये कितना है, मतलब जो आप परिक्रमा लगा? 1008 एक जगह करने के बाद एक जगह 7 फीट बढ़ती है रोज। अच्छा, एक जगह आप 7 फीट बढ़ते हो डेली, और ये 1008 है? तो आप 1008 दंडौती करते हैं और 7 फीट तक बढ़ते हैं आगे तक, सही? 7 फीट बढ़ जाती है, मतलब लंबाई जितनी आदमी की होती है उतना बढ़ती है। अच्छा अच्छा, दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ये 1008 हैं और 1008 दंडौती लगाते हैं डेली इस तरीके से, और 7 फीट तक ये आगे बढ़ते हैं। और भैया ये आप कब से लगा रहे हो? 5 साल हो गए दान घाटी से। जय हो जय हो, 5 साल से लगा रहे हो आप दान घाटी से? तो आप जी, क्या आपका मतलब कोई जो आप लगा रहे हो इसके पीछे कोई आपका? नहीं नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बस ये आपके मतलब वो है, देख सकते हैं दोस्तों, ये सब उनकी कृपा है, हम कौन लगाने वाले, कोई हमारी मान जा सकती जी? बिल्कुल बिल्कुल, ठाकुर जी की कृपा है ये, तो बिना ठाकुर जी की कृपा तो कुछ हो ही नहीं सकते। ये आप इनके ही साथ हैं क्या जी? हाँ, ये भी संके ही हैं। संके ही हैं, तो आपके 108 दे दिया, पूरी कर ली है। अरे जय हो जय हो, आप ये 108 पूरी कर चुके हो? हाँ पूरी हो गई। तो आपने कितने साल से बताया, कितने साल से लगा रहे हैं आप ये? ये मुझे 5 साल हो गए दान घाटी से यहाँ पे। 5 साल हो? 4.5 किलोमीटर आए 5 साल में। 5 साल में दोस्तों देख सकते हैं, ये 4.5 किलोमीटर की परिक्रमा लगा चुके हैं, और ये 1008 दंडौती एक बार में लगाते हैं और 7 फीट तक ये आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं, ये है आस्था दोस्तों। और ये मैं आपको बता दूं, गोवर्धन धाम है। आप सभी, आप अगर नहीं आए हो तो, और सभी से विनती करूंगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे अवश्य लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पता चल सके कि हमारा सनातन धर्म कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। और इन भाई की आस्था आप देखिए, इस आस्था के आगे वास्तव में मैं तो आपको बार बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बार बार भैया जी दंडौती लगा रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? यही है कि ऐसी आस्था कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगी भारतवर्ष के अलावा, तो अपने सनातन धर्म को छोड़कर कहीं ना जाएं और अपने सनातन धर्म को बढ़ाएं। और आपसे यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक अच्छा संदेश जाए, भक्तों तक अच्छा संदेश जाए। 550 लोग आप जुड़ रहे हैं, अगर 550 लोग इस वीडियो को 10-10 ग्रुप में शेयर कर देंगे ना, तो दोस्तों कम से कम ये पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में ये वीडियो चले जाएगी। जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी से यही विनती है कि इस लाइव सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक समाज में अच्छा संदेश जाए और लोगों तक एक अच्छा संदेश जाए। मेरा तो यही कहना है सबसे। तो और आप सभी से विनती करूंगा, हमारे भक्तिपथ पेज को अवश्य फॉलो करें, ताकि आप समय समय पर इसी तरीके से अद्भुत और दिव्य दर्शनों के दिव्य दर्शन कर सकें। मनोकामना ना होने के कारण भी ये चला परिक्रमा लगा रहे हैं कोई, और देख सकते हैं दोस्तों, इसके पीछे कोई भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई अरदास लगाई हो या कोई इनकी मनोकामना पूर्ण हुई हो। आप आस्था देखिए, बहुत से लोग तो या तो अरदास लगाते हैं, या फिर कोई अपनी मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है तब जाकर के भगवान के द्वार पर आते हैं, भगवान की परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन ये जो आप, मैं इन्हें क्या कहूँ, ये वास्तव में बड़े, मैं तो इनको बार बार नमन करता हूँ, बार बार वंदन करता हूँ, कि इनकी आस्था जो है, किसी कोई भी स्वार्थ नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं कोई भी इसके पीछे स्वार्थ नहीं है, और ना ही कोई इन्होंने अरदास लगाई है, और ना ही इनकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई। और लगभग 5 साल से यह परिक्रमा लगा रहे हैं, और अभी पता नहीं कितने वर्ष इन्हें परिक्रमा पूर्ण करने में लग जाएगा, क्योंकि भैया जी से हमने पूछा कि कितना समय इसे पूर्ण करने में लग जाएगा। 4.5 किलोमीटर आए हैं, 21 किलोमीटर की है। आप सोचिए, अभी जो भैया जी हैं 4.5 किलोमीटर की परिक्रमा लगा पाए हैं, और जो गोवर्धन धाम की परिक्रमा है वह 21 किलोमीटर की है। अभी इन्हें लगभग 16 किलोमीटर से भी ज़्यादा परिक्रमा पूर्ण करनी है, तब जा करके आप सोच सकते हैं, कितना पूर्ण हो चुकी है? 21 किलोमीटर की होती है नहीं, पूर्ण 4.5 किलोमीटर की हो गई है, 4.5 की पूर्ण हो पाई है, और अभी इन्हें 21 किलोमीटर की पूरी करनी है, 15.5 किलोमीटर अभी और करनी है। तो आप सोच सकते हैं, पता नहीं इन्हें कितनी साल लग जाए, क्योंकि ये तो ठाकुर जी की कृपा है, कब जा करके परिक्रमा पूर्ण हो। अब मैं आप
ठीक है, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।